प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दिए जाने का किया स्वागत। आंदोलनकारी किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने का किया अनुरोध। सरकारी स्कूलों के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिए गए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी से संबंधित फैसले। और गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर राज्यपाल ने गुरुद्वारा नाडा साहिब में किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कहा, हमें उनके जीवन से मानवता के लिए जीने की लेनी चाहिए प्रेरणा। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि बैठक में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से देश के लगभग 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त में देने की योजना जो मार्च 2020 से लेकर अब तक लगभग 15 महीने तक देश के करोड़ों लोगों को देने का काम किया है, उसमें दिसंबर 2021 से लेकर मार्च 2022 तक 4 महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय किया गया है। दूसरा निर्णय, जैसा आपको ज्ञात है कि 19 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुपूर्व के अवसर पर देश को संबोधित करते हुए ये घोषणा की थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे, और ये तीनों कृषि कानून, जिसमें पहला कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 है, दूसरा मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवाओं पर कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020, व तीसरा जो है आवश्यक वस्तु संशोधन बिल को, इन तीनों को ही वापस लेने की उन्होंने उस समय घोषणा की थी। आज मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दिए जाने का भिवानी जिले के किसानों ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये कानून वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की लगभग 1 साल से चली आ रही मांग को पूरा किया है। इन कानूनों की वापसी से किसान खुश हैं। उन्होंने धरनों पर बैठे किसानों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अब धरना प्रदर्शन छोड़कर अपने खेती के कार्य को आगे बढ़ाएं। मांगे थी जो किसानों की, जो तीन कानून थे उनको लेकर के धरने प्रदर्शन में बैठे थे। अब माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो वो तीनों कानून वापस ले लिए, तो अब किसान भाई ये दायित्व तो बनाया है कि भाई उनको जो है ना रोड खाली कर देनी चाहिए और अपने घर बैठ लेना चाहिए, ताकि जो आवाजाही में जो दिक्कत आ रही है वो भी ना हो, और हमारी जो मांगे थी वो हमारी सरकार ने मान ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, इसके लिए हम किसान उनका धन्यवाद करते हैं। उन्होंने किसानों को हित को देखते हुए ये फैसला लिया है, इसके लिए सभी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और साथ ही मेरा ये व्यक्तिगत सुझाव ये है, जो हमारे साथी अब धरने पर जगह जगह धरने पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद उनको अब धरने से वापस आना चाहिए, और अपने साथियों को भी वापस बुला के अपने ये कानूनों का मैं पीएम मोदी का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत ही खुशी की बात है, इससे किसान अपना काम कर पाएगा और किसान के हितों की बात हुई है। हम इस बात को लेकर प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए। अब मैं अपने किसान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं, जो धरने पर बैठे हैं, कि वे भी अपना काम धंधा शुरू करें, धरना समाप्त करें।
रेवाड़ी के किसानों ने भी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मंजूरी मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषि कानूनों की वापसी की पहल करना एक सराहनीय कदम है। किसानों ने धरने पर बैठे किसानों से घर लौटने का आग्रह किया है। करना चाहूँगा, मोदी जी ने जो ये कृषि कानून रद्द करके जो किसानों के हित में जो फैसला लिया है वो बहुत माननीय फैसला है और उचित फैसला है। मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो आंदोलन छोड़ के अपने अपने खेतों में काम करें और मोदी जी का धन्यवाद भी करें। इससे किसानों का हित में हो गए हैं। अब जो बैठे हुए हैं किसान, उनको रोड से उठ जाना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो तीनों कृषि कानून वापसी लिए हैं, इनसे किसानों का भला होगा और जो वो अभी बैठे हुए हैं उनको वापस उठ जाना चाहिए, जिनसे लोग आम लोगों को कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो ये फैसला लिया है तीनों कृषि कानून विधेयक को रद्द करने का, ये बहुत ही सराहनीय कदम है उनका और इस कारण अब किसानों को भी पहल करनी चाहिए। किसान संगठनों से मेरी अपील है कि मोदी जी के इस फैसले का सम्मान करते हुए वे अपने अपने घरों को चले जाएं और इस आंदोलन को समाप्त करें। इससे बहुत ही लोगों को परेशानी हो रही है। मोदी सरकार ने जो ये तीन कानून वापस लिए हैं, मेरा किसानों से अनुरोध है कि इनको खोला जाए ताकि आम आदमी को यहाँ से निकलने बढ़ने में कोई परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में लगभग 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी से संबंधित फैसले लिए गए। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकारी स्कूलों के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे और भविष्य में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी टैबलेट देने की योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जल्द ही किसानों को 15,000 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसके लिए बिजली उपकरण खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना सरकार का मुख्य लक्ष्य है और यदि किसी को नौकरी या विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित कोई जानकारी मिलती है तो तत्काल इसकी शिकायत संबंधित विभाग को दें। जो बच्चों को दिए जाएंगे पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे दो दो क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपये बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं, जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ है, मैं तो कहता हूँ कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीज़ें कोई जानकारियाँ हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए। कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं। प्रदेश भर में आज सर छोटूराम की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा कि महान क्रांतिकारी समाज सुधारक दीनबंधु सर छोटूराम जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने कहा कि छोटूराम ने किसानों मजदूरों व वंचितों के लिए बुलंद की गई आवाज़ व जन कल्याण में दिया गया योगदान हम सभी को सदैव प्रेरित करता रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी चौधरी छोटूराम द्वारा किए किसानों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। उन्होंने चौधरी छोटूराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नमन करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों आदर्शों व सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी को उनकी शहीदी दिवस पर सादर नमन। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शहीदी दिवस पर पंचकुला स्थित गुरुद्वारा नाडा साहिब में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर ने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर मानवता के लिए जीवन जीना चाहिए। आध्यात्मिक और साहसी महान देशभक्त, उन्होंने
गुरु नानक जी ने सिख मदरसा जो स्थापना करने के बाद और आगे बढ़ाने के लिए जिनके परिस्थितियों को ध्यान में रखकर अंधविश्वासों को छू अछूत को और जाति पात को सबको दूर करके मानवता के लिए आध्यात्मिक भाव का उन्होंने जागरूक किया। गुरुद्वारा नाडा साहिब के प्रमुख ग्रंथी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर के बलिदान के कारण ही आज भारतवर्ष का नाम पूरी मानवता के लिए एक मिसाल है। बहुत बड़ियां बख्शिशां जिहड़ियां ने इस भारत वर्ष ते कीतियां ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा करके अज जे हिंदुस्तान है ना कोई नक्षित ना है तो गुरु तेग बहादुर साहिब जी की कृपा करके है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लिए प्रशासन की ओर से पहले मुख्यमंत्री अंत्योदय ग्राम उत्थान मेले का आयोजन 30 नवंबर को किया जाएगा। सिरसा जिले के शहरी व ग्रामीण इलाकों से अंत्योदय ग्रामोत्थान मेले की शुरुआत की जाएगी। सिरसा उपायुक्त अनीश यादव ने बताया कि इन मेलों में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चयनित पात्र परिवारों को 19 विभागों की लगभग 100 योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मेले में सभी विभागों के अधिकारी शामिल होंगे और विभिन्न योजनाओं की जानकारी देंगे। उपायुक्त ने कहा कि इन मेलों के आयोजन का उद्देश्य कम समय में BPL परिवारों को सक्षम बनाकर उनकी सालाना आय में वृद्धि करना है। वो वैसी फैमिलीज जिनका सालाना जो इनकम है वो 1,80,000 रुपये से कम है तो उन हाउस होल्ड्स को आइडेंटिफाई करा गया है परिवार पहचान पत्र के माध्यम से। उनके लिए स्पेशल कैंप्स लगाए जाएंगे जो कि हमारे टोटल 19 विभाग होंगे। डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो नोडल अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौके पर उपस्थित रहेंगे और जो भी इस स्कीम का लाभ उनको प्रोवाइड करा जा सकता है चाहे वो फिशरीज डिपार्टमेंट से हो चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हो चाहे बैंक से कोई लोन की सुविधा हो तो सारी चीज़ें अंडर वन रूफ ही उनको उपलब्ध करवाई जाएगी और हमारा ये लक्ष्य है कि काफ़ी छोटे टाइम में उनको खुद से सक्षम बनाया जाए। लोगों ने कहा कि इन मेलों के आयोजन से वे सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। कैंपों से हम योजनाओं के बारे में पता लगाएंगे उन योजनाओं का हम लाभ उठाएंगे। सरकार बहुत बढ़िया कर रही है जो कैंप लगा रही है। हाँ कैंप लगाए जा रहे हैं उसके बाद हमारे बहुत फायदा मिलेगा। गरीब परिवार के लोग हैं उनके योजना के रोजगार में पता चलेगा हम उन योजना के 80% लाभ उठा सकते हैं ताकि हमारी इनकम बढ़े। कैंप ठीक है उन्होंने लोन मिलना चाहिए उन्होंने गरीबी दावे का सारा कुछ मिलना चाहिए लाभ दिता जाए योजना के बाद दर्शन के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। प्रदेश के किसानों ने मंत्रिमंडल द्वारा तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मंजूरी दिए जाने का किया स्वागत। आंदोलनकारी किसानों से धरना प्रदर्शन खत्म करने का किया अनुरोध। सरकारी स्कूलों के 11वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जल्द ही टैबलेट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिए गए लगभग 1,000 करोड़ रुपए की खरीदारी से संबंधित फैसले। और गुरु तेग बहादुर के शहीदी दिवस पर राज्यपाल ने गुरुद्वारा नाडा साहिब में किए श्रद्धा सुमन अर्पित। कहा हमें उनके जीवन से मानवता के लिए जीने की लेनी चाहिए प्रेरणा। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और 1 नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।